प्यारे बच्चों, आज का हमारा उपविषय है टॉपिक गुणा की वितरण विधि है, जो छठी और सातवीं दोनों कक्षाओं के लिए होगी, कि गुणा को हम वितरण विधि के द्वारा कैसे कर सकते हैं। हमारे पास मान लो एक प्रश्न आता है कि 67 को 101 से गुणा करना है। अब 101 से यदि हमें गुणा करना है तो हम इसको सीधे ही भी गुणा कर सकते हैं। 67 को 101 से हम करते आ रहे हैं अक्सर, तो कर भी देंगे, लेकिन वितरण विधि क्या है उसको समझना है और उसी के द्वारा ही हमें यह प्रश्न करने हैं। अब वितरण क्या है कि हम जो एक संख्या है, जो 100 के, 1000 के, मतलब दहाई के या सैकड़े के या हजार के बिल्कुल नजदीक होती है, उसको हम तोड़ लेते हैं टुकड़ों में। टुकड़ों का मतलब ये नहीं है कि बड़े बड़े में, हम इसको दहाई सैकड़ा हजार वाले टुकड़ों में ही तोड़ते हैं, कि दहाई सैकड़ा हजार को अलग कर लेंगे और बाकी संख्याओं को अलग। कैसे? देखने से आपको पता लग जाएगा। 67 और गुना ब्रैकेट के बाहर कोई अंक है तो इसका मतलब वो गुना में ही है। मैंने ब्रैकेट में 101 को यदि मैं लूंगा, 101 को लिख सकता हूं मैं 100 जमा 1। 100 में यदि 1 जोड़ेंगे तो क्या आ गया? 101। अब ब्रैकेट के बाहर यदि कोई भी संख्या होती है तो अंदर वाली दोनों संख्याओं के साथ गुणा में होती है। पहले तो ये समझे भी, 101 को मैंने 100 जमा 1 में लिया है, बस 67 ऐसे कैसा। अब 67 बाहर है तो अंदर वाली दोनों संख्याओं के साथ ही गुणा में है, और ये इस प्रकार हम इसको ले सकते हैं, 67 गुणा में एक बार 100, फिर ये जोड़ का निशान, फिर क्या हमारे पास क्या आएगा, 67 गुणा में 1, दोनों के साथ अलग अलग गुणा में करके मैंने लिख दिया इसको। अब यदि गुणा करेंगे 67 को 100 से, देखो 1 से गुणा करनी है सिर्फ, 67 एकम 67, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या हमारे पास आती है, और उसके बाद 2 शून्य है तो 2 शून्य जमा, और 67 एकम 67। अब ये 6700 में 67 जोड़ेंगे तो 6767 हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो बच्चों, ये हमारे पास है गुणा की वितरण विधि, बड़ी आसानी से हम इसको कर सकते हैं। और एक आध प्रश्न है इसका, देखें हम कि यदि मैं 732 को 103 से कर रहा हूं, मान लो गुना 103 से, 103 से कर रहा हूं तो वही मुझे लेना है 732 ब्रैकेट शुरू। 103 को मैं कैसे लूंगा? 100 जमा 3 100 जमा 3 103। अब 732 मेरे पास एक बार पहले किसके साथ गुणा में है? 100 के साथ, जमा एक बार 732 किसके साथ गुणा में आ जाएगा? 3 के साथ करें गुणा। 732 किससे गुणा करनी है? 100 से, 100 का मतलब सिर्फ 1 से, 732 एकम 732, और 2 जीरो है तो 2 जीरो हमारे पास आ जाएंगी, जमा। अब 3 से गुणा करनी तो आसान है, हम मतलब बिना कॉपी पेंसिल के सीधे भी कर सकते हैं। यहां देखे 3 दूनी 6, 3 दिया 9 3 सते 21, और अब ये हमारे पास है 73,200 में मुझे किसको जोड़ना है? 2196 को जोड़ना है, जोड़ना है तो जोड़े, हमारे पास क्या आ गया? 75,396 इसका आंसर आ गया। तो इस वितरण विधि के द्वारा बम बड़ी आसानी से गुणा कर सकते हैं। और देखें, यदि मुझे 65 की 98 से गुणा करनी हो तो मैंने यही कहा था कि जो हमारे पास दहाई के, सैकड़े के, हजार के बिल्कुल नजदीक हो वही संख्या लेनी है। मेरे पास सैकड़े मतलब 100 के बिल्कुल नजदीक क्या है? 98 है, तो 98 को मैं तोड़ूंगा। कैसे तोड़ूंगा? 65 ब्रैकेट शुरू। अब कई बच्चे यहां पे 90 जमा 8 कर देते हैं, 90 जमा 8, लेकिन मैंने कहा कि वो सैकड़े के नजदीक है, वो 100 के नजदीक है, तो 100 के अनुरूप ही से हमें लिखना है, 100 के साथ ही लिखना है। 98 को 100 के साथ हम कैसे लिख सकते हैं? 100 घटा 2, 100 से 2 कम है तो 100 में से 2 घटाएंगे, क्या बचेगा? 98 बचेगा। पहले यहां जोड़ था, अब घटा की स्थिति भी हमारे पास आ गई है, तो हम इसको कैसे गुणा करेंगे? अब 65 गुणा में एक बार क्या आ गया? 100, फिर घटा का निशान है, पहले जोड़ था अब घटा आ गया। अब 65 किसके साथ गुणा में है? 2 के साथ, ठीक है ना। पहले यहां जोड़ होता था तो जोड़ लिया, अब यहां घटा है तो घटा आ गई मेरे पास, इस चीज का ध्यान रखना है। अब 65 को 1 से गुणा करेंगे क्या आ गया? 6500 घटा का निशान है, और 65 को 2 से गुणा करेंगे 130। अब 6500 में से 130 को घटा दिया आप, 6370 हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, जब घटा के लिखेंगे, पहले जोड़ था तो जोड़ते थे, अब घटा का निशान है तो घटाएंगे, जो चिन्ह होगा हम उसी अनुरूप तो संक्रियाएं करेंगे, ठीक
ठीक है बच्चों। चलो एक और प्रश्न इससे संबंधित हम ले लेते हैं, घटा से संबंधित ही, आपको और भी अच्छा लगेगा। तो यदि मैं 127 को 999 से गुना करूं, अब वही कहा था ढाई सैकड़ा हजार के नजदीक जो हो, 1000 के नजदीक हमारा क्या है 999, तो 127 को ऐसे कैसे रखेंगे और क्या लेंगे हम, 999 को क्या ले सकते हैं हजार की स्थिति में, जी हाँ 1000 घटा 1, 1000 में से 1 कम करके हमने लिख दिया। अब 127 हमारे पास पहले किसके साथ गुणा में है, 1000 के साथ, और फिर 127 किसके साथ गुणा में है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1। अब 127 को 1 से गुणा करो, 127 से कम 127 और 3 जीरो हैं, और घटा 127 से कम 127, ये देखो हमारे पास अभी आ गया कि 1,27,000 में से 127 घटाना है तो क्या आ गया 1,26,000। जब आप इसको घटा के लिखेंगे तो हमारे पास 8, 7 और 3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जब आप इसको घटा के लिखेंगे। घटाना तो उसी प्रकार है जिस प्रकार हम घटाते हैं, 127 को घटाएंगे तो यहाँ पे 10, 3 आ गया, यहाँ 9 बचेगा तो 7, और यहाँ पे 9 बचेगा तो 8, 6, 2, 1, 1,26,873 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न भी हमारे पास आ सकते हैं। और एक और प्रकार से प्रश्न हमारे पास आ सकता है, 100 के नजदीक 123 है लेकिन पूरा पूरा नहीं है, वो 23 आ गया बाद में, तो हम 123 को ही ले लेते हैं, चलो इनमें से किसी को भी ले सकते हैं। मैं 123 को तोड़ूंगा, 167 मैंने ऐसे कैसे रख दिया, गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। 123 को मैं कैसे ले सकता हूं, 100 जमा 20 जमा 3, जैसे हम प्रसारित संकेतन में लिखते हैं ना, अलग अलग सैकड़े का अलग लेके, ढाई का अलग लेके, इकाई का अलग लेके अंक, और उसके बाद जीरो लगा देते हैं। 100 जमा 20 120 और जमा 3 123 आ गया मेरे पास। अब 167 किसके साथ गुणा में है, पहले 100 के साथ फिर जोड़ का निशान, 167 किसके साथ गुणा में है 20 के साथ फिर जोड़ का निशान, फिर 167 किसके साथ गुणा में है 3 के साथ। अब ये 3 संख्याएं हमारे पास बढ़ गई, तो 3 संख्याएं लेके ही हम इसको करेंगे। अब 167 को 1 से गुणा करेंगे, 167 दो जीरो जमा इससे गुणा करें, 2 से 14 1 2 6 12 1 13 3 1 2 1 3, पीछे एक जीरो थी ही, और 3 से करें 3 21 2 3 6 18 2 20 2 3 3 2 5, अब हमारे पास 16,700 और क्या आया है 3,340 और 501, जब इनका जोड़ करेंगे 1 4 ये आ गया 20,541 हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से प्रश्न हम कर सकते हैं, बिल्कुल वही है वितरण विधि में, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। और भी यदि हमारे पास बड़ी आ जाती है तो बड़ी भी उसी प्रकार से हम लेंगे, मान लो कि मुझे 87 से 10,001 से करना है या 10,002 से करना है, तो इसको कैसे लेंगे, 87 ब्रैकेट में 10,000 जमा 2 87 गुणा 10,000 आ गया हमारे पास, जमा का 87 गुणा 2 आ गया, फिर वही अब 87 एकम 87 जितनी जीरो है 4 जीरो है तो 4 जीरो आ जाएंगी, और 87 दूनी 16 17 174 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 87 174 हमारे पास आंसर आ गया 8,17,174, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। एक प्रश्न और 3 अंकों का ले लेते हैं, 65 गुना 113 ले लेते हैं, चलो 113 तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, 65 ब्रैकेट में 100 जमा 10 जमा 3, अब 65 किसके साथ गुणा में होगा, पहले 100 के साथ फिर जोड़ का निशान है, फिर 65 10 के साथ फिर जोड़ का निशान है, फिर 65 3 के साथ, 65 को 100 से गुणा करें 6500, 65 को 10 से गुणा करेंगे 650, 65 को 3 से गुणा करेंगे 195। अब तीनों को आपस में जोड़ दें, तीनों को किस प्रकार जोड़ेंगे, जोड़ना आप लोगों को आता है, तीनों को जोड़ के लिखेंगे 7,345 इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से वितरण विधि है ये, गुणा की वितरण विधि को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आइए ये प्रश्न कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।